अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर के ऊपर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं कूलर मास्टर की तरफ से एक CPU कूलर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो कुछ इसके हाइलाइटेड फीचर्स पे ज़रा नज़र डालते हैं। कूलर मास्टर T20 इसका मॉडल है। 3-पिन कनेक्टर के साथ ये आता है और ये सेक्शन जो है, आई थिंक ये सिर्फ रेड लाइट जो है, रेड LED उसके साथ ग्लो करता है। मीन ये RGB वगैरह शायद नहीं है, क्योंकि मैंने अभी पर्सनली इसको टेस्ट नहीं किया इसलिए कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर ये RGB होता तो कंपनी इस पर एक RGB लोगो बनाती, लेकिन देखते हैं। तो T20 एज टोल्ड अर्लियर इसका मॉडल है। इस तरफ जाते हैं तो कुछ चाइनीज़ के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें से इंटेल और AMD इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आ रहा है और बाकी जो नज़र आ रहा है वो मैं तो पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि ये चाइनीज़ में क्या लिखा हुआ है जी। तो सबसे पहले इसमें CPU सॉकेट की स्पेसिफिकेशंस के कौन कौन सी सॉकेट के साथ ये वर्क करेगा। इंटेल LGA1115X सॉकेट, मीन 1151 ETC, जिसमें ये कोर i7 i5 तमाम जो अप टू 9th जनरेशन प्रोसेसर्स आते हैं वो 1151 सॉकेट के साथ ही हैं। AMD में AM4 AM3 AM2 प्लस FM2 प्लस FM2 एंड FM1 सॉकेट जो है ये AMD के प्रोसेसर्स के साथ कंपेटिबल है। इस कूलर की जो ओवरऑल डायमेंशनस है वो 195 × 68.5 × 119 जो है वो इसकी ओवरऑल डायमेंशनस हैं, लेकिन इसके अंदर जो RPM है वो 1700 प्लस माइनस 200, मीन मैक्सिमम 1900 RPM एंड मिनिमम 1500 RPM पे ये वर्क करेगा। इसका जो एयर सक्शन है वो 19.5 CFM है मैक्सिमम, यानी क्यूबिक फीट पर मीटर पर मिनट। तो 19.5 क्यूबिक फीट पर मिनट जो है वो ये एयर सक करेगा और 1.09 mm ऑफ वाटर जो है वो इसका मैक्सिमम प्रेशर है जो ये जनरेट करता है। नेक्स्ट इसका जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स है वो 160,000 आवर्स है, तो काफ़ी अच्छा लाइफ स्पैन इसका जो है वो गिवन है। 18.7 dBA का जो ये इस साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि नॉर्मल ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन जो हमारा लेवल होता है जिस पे हम आमतौर पे गुफ्तगू करते हैं, ये उससे भी काफ़ी कम है, तो इस वजह से ये एक काइंड ऑफ साइलेंट फैन इसका है। 3-पिन कनेक्टर्स के साथ आता है, 12 वोल्ट DC पे ऑपरेट करता है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो 0.16 एम्पियर है और जो मैक्सिमम करंट ये इनपुट कर सकता है वो 0.18 एम्पियर है, जबकि जो पावर कंज्यूम करता है वो 1.92 वाट है, प्लस माइनस 2% जो है इसके अंदर हो सकता है। तो ये है जी इसकी ओवरऑल लुक। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसा है। तो देखते हैं जी इसको। सबसे पहले हमारे पास एज यूजुअल ये एक PWM 3-पिन T20 मॉडल कूलर मास्टर का ब्रांड, इसका एक इंफॉर्मेशन बुकलेट हमारे सामने आया है जो इसमें तमाम इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको बता रहा है। तो चलते हैं CPU की कूलर की तरफ। तो ये है जी CPU कूलर इटसेल्फ। एज यू कैन सी दो हीट पाइप्स, ये ख़ास तौर पे जो राइजन प्रोसेसर के मदरबोर्ड्स हैं उनके लिए ये ब्रैकेट्स, और वैसे चूंकि ये इंटेल के साथ भी है तो इंटेल ब्रैकेट्स भी बॉक्स में ज़रूर होंगी। ये एक एल्युमिनियम का एक बहुत अच्छा हीट कंडक्टिंग मटेरियल का है और इसके साथ ये कूलर मास्टर की यहाँ पे ब्रांडिंग है, और इसके साथ ही ये जो फ़ैन है इसके ऊपर भी कूलर मास्टर की ब्रांडिंग है। तो इटसेल्फ ये एक ऑर्डिनरी जैसे राइजन 2600 i5 की कोई भी जनरेशन उसके लिए और i7 4, 5, 6 जनरेशन तक ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसमें दो हीट पाइप हैं और फर्दर हीट को डिसिपेट करने के लिए इसमें ये फ़ैन के साथ साथ जाहिर है ये एल्युमिनियम की जो स्ट्रिप्स हैं जो कि काइंड ऑफ एक रेडिएटर बिहेवियर है इनका, लेकिन रेडिएटर जो लिक्विड है उससे तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी फिर भी इनकी काफ़ी अच्छी कूलिंग एस्पेक्ट जो है वो मौजूद है।
तो इसके बाद देखते हैं जी बॉक्स में और क्या है। तो यस, एज प्रिडिक्टेड अर्लियर, ये इंटेल के प्रोसेसर्स को माउंट करने के लिए इस सीपीयू कूलर के साथ ये ब्रैकेट जो है वो मौजूद है, और इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम प्लग्स वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसके साथ दी गई है। मोरोवर इसमें ये कूलर मास्टर की तरफ से एक थर्मल कंपाउंड या थर्मल पेस्ट या थर्मल ग्रीस जिसको कहते हैं, तो ये भी मौजूद है। तो ये है जी इस कूलर मास्टर T20 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अपने इस चैनल के तवसत से हम आपको बताते चलें कि हमारे पास रेजर, फर्स्ट फ्लेयर, री ड्रैगन, कूगर, थंडर, ओला, डार्क फ्लैश, हाइपर एक्स, फैंटेक, टी डैगर एंड गो फ्री टेक की पार्टनर एसोसिएशन मौजूद है, जिसका ये मतलब है कि आप इन तमाम की जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं इन ब्रांड्स की, वो तमाम मॉडल्स, तमाम प्रोडक्ट्स हमसे ऑफिशियल रेट से भी कम रेट पे अवेल कर सकते हैं। तो कल हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्ड प्राइसेस, स्पेक्स, कंपोनेंट की ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिटेल में मिलेगी, और उसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मज़ीद इस तरह के अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।